सूरत में पहला पहला क्लास कहाँ हुआ था एडवांस का? है अच्छा, वहाँ गीता पार्षद चल रही है अभी, बंद हो गई? हाँ जी, हाँ जी। बाबा कृष्ण ही कंस बनता है, तो कृष्ण कंस को मारता है, वो कौन सा कंस है? कृष्ण ही कंस बनता है, तो कृष्ण कंस को मारता है, वो कौन सा कंस है? कृष्ण कौन सा कंस है? कंस खुद ही खुद को मारता है। देह अभिमान रूपी कंस, वो देह अभिमान रूपी कंस है, उसको कौन मारता है? है संगम भी कृष्ण कौन है, वो कौन है? प्रजापिता कृष्ण नहीं है, शिव बाबा है। जो भी चरित्र हैं कृष्ण के भागवत में, वो किसके चरित्र हैं? शिव बाबा के चरित्र हैं। हमने नाम किसका दे दिया? कृष्ण का नाम दे दिया। तो अब आया समझ में, कृष्ण कंस बनता है तो उस कंस, उसके अंदर जो कंस बैठा हुआ है, उस कंस को कौन मारता है? शिव बाबा मारता है। शिव बाबा, शिव बाप मारता है या शिव बाबा मारता है? क्यों शिव बाप, क्यों नहीं? हाँ, वो तो बिंदी है, मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। वो बिंदी जब तक शरीर धारण न करे तब तक कुछ कर ही नहीं सकती, तो शरीर धारण करती है। शरीर धारण करके कंस को मारती। फिर ये पूछना चाहिए, तो राम ही रावण बनता है तो फिर जब राम रावण बन गया तो उसको कौन मारता है? असली बात तो पूछी नहीं है। किसने सिखाया था पूछने के लिए? हाँ, किसने सिखाया? बता दे। सच्ची सच्चे बाप के सच्चे बच्चे होते हैं। है? बोल। किसने सिखाया था? हाँ? नमिता ने? हाँ? किसने? धर्मिष्ठा ने सिखाया। वाह, तूने तो धर्म की इष्ठा निष्ठा रखने वाले की पोल पट्टी खोल दी। अच्छा चलो, और सच्चाई थोड़े ही झूठ आई। गणेश को डुबोया जाता है, देवियों को डुबोया जाता है, तो उनमें झूठापन है तब डुबोया जाता है, या सच्चाई है तब डुबोया जाता है? हाँ, गणेश का जो सूरत दिखाई जाती है उसमें कोई सूरत देखने में आती है? सीरत देखने में आती है? नहीं। गणेश की सूरत कैसी दिखाई जाती है? हाँ, जानवर जैसी। जानवर की सूरत दिखाई जाती है, तो जो जानवर की सूरत दिखाई जाती है वो जानवरियत का कर्म उसका प्रत्यक्ष होगा या नहीं होगा? होगा। एक शिव बाबा है, वो मनुष्य तन में आता है या जानवर में आता है? वो मनुष्य तन में आता है। जिस मनुष्य तन में आता है वो मुकर्रर है या टेम्पररी है? मुकर्रर आता तो कृष्ण ही वाले तन में भी है, वो भी मनुष्य तन है, लेकिन अंतर क्या है? वो टेम्पररी है और ये मुकर्रर रथ है। जिस मुकर्रर रथ में आता है वो मुकर्रर रथ कैसा बन जाता है? मानुष से क्या बन जाता है?
मानुष से देवता की करतन लागी बार, नर से क्या बन जाता है? नारायण बन जाता है। तो उसकी कोई बुराई दुनिया में शास्त्रों में नहीं है, और सब देवताओं की बुराई है, गणेश जी की भी बुराई है और देवियों की भी बुराई है, देवताओं की भी 33 करोड़ सब देवताओं की कुछ न कुछ ग्लानी है, कृष्ण की भी ग्लानी है, लेकिन नारायण जब संपूर्ण बनता है तो उसकी कोई ग्लानी नहीं। जो विश्व का मालिक बनता है वो नारायण, सत्युग के नारायण नहीं, वहां विश्व नहीं होगा, वहां सत्युग होगा या विश्व होगा? वो तो सत्युग ही होगा, आबादी ही थोड़ी सी होगी, उसको विश्व थोड़े ही कहेंगे। विश्व धर्म तो आज है दुनिया में। तो जो विश्व का मालिक बनता है वो नर से नारायण बनने वाला है, अव्वल नंबर वो है जिससे अल्लाह आकर के अव्वल नंबर धर्म की स्थापना कराते हैं। बाकी गणेश के द्वारा कोई अव्वल नंबर धर्म स्थापन नहीं होता है। तो ये झूठापन है क्या कि कोई भी मनुष्य मात्र इस संसार में ऐसा नहीं है जो 100% विकारों को त्याग पाता हो। इसलिए एक ही मनुष्य ऐसा है जो नर से ऐसा नारायण बनता है जिसका नाम पुरुषार्थी जीवन के नाम से शिव के साथ जोड़ा जाता है। गणेश का नाम जोड़ा जाता है? है तो शंकर जी का प्यारा बच्चा, उसको वरदान मिला हुआ क्या? जब देवताओं की पूजा होगी तो सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी, तो वरदान तो गणेश को मिला क्या? शंकर जी की पहले पूजा होती है क्या? वो तो जब यज्ञ भी चलता है ना तो यज्ञ में आखिरी आहुति उन्हीं के नाम की डाली जाती है। क्या पहली आहुति गणेश जी के नाम की और आखिरी आहुति? तो देखो ये वरदान हुआ कि अभिशाप हुआ? ये तो अभिशाप हो गया। लेकिन जो पोल पट्टी है वो गणेश की ही खुल जाती है। कौन सी पोल पट्टी? अरे प्रश्न पूछा है, प्रश्न पूछने वाले को पता ही नहीं कौन सी पोल पट्टी। हम बोल रहे हैं पोल पट्टी, आप तो पूजा ही करते रहेंगे, आप गणेश जी की पूजा ही करते रहेंगे, पोल पट्टी का पता नहीं चला? क्या पता? हाँ, वो देह अभिमान को त्यागता नहीं। जो गणेश है वो पूरा देह अभिमान नहीं त्यागता। ऐसी शूटिंग कहाँ हुई है? कहाँ हुई शूटिंग? कब? हाँ, ब्रह्मा बाबा ने संपूर्ण बने बिगर शरीर छोड़ दिया, लेकिन वो ब्रह्मा बाबा ऐसा बच्चा है जो बाबा का बड़ा सिकिलदा बच्चा है। ठीक है, और माने उठा के बाहर नहीं ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे। अरे क्यों? बैठे ही रहेंगे इधर। बैठे ही रहेंगे? अच्छा, तो क्लास का नियम क्या है? बैठे रहने का नियम है ना, पता चलता है तो भी नहीं ले जा सकते ना बाहर। क्यों नहीं ले जाएंगे ना? बोला तो भी नहीं ले जाएंगे। क्यों नहीं ले जाएंगे? कुछ कारण होगा ना? इसीलिए तो। क्या कारण है? पूछो ना उनसे। उनसे पूछे? क्लास में बच्चों को लाने का नियम है? पाप नहीं बनता है? है? और बोलो। मार्ग में शंकर को आशुतोष,
आशु माने जल्दी और तोष माने संतुष्ट हो जाए। जो थोड़ी सी पूजा अर्चना करो, थोड़ी सी महिमा कर दो हैं, तो खुश हो जाते हैं, वरदान दे देते हैं। भले भले कोई भस्मासुर बन जाए हैं, और भस्मासुर बन के सालों साल पीछे पड़ा रहे और भगाता रहे, इस ट्रेन से उस ट्रेन में, उस ट्रेन से उस ट्रेन में, इस हवाई जहाज से उस हवाई जहाज, उस हवाई जहाज से उस हवाई जहाज, भागता ही रहे हैं, दुनिया के चक्कर काटता ही रहे सालों साल। लेकिन जब थोड़ी सी महिमा करते तो बड़े अच्छे, बड़े बहुत ऊंचे आते, सब ऊंचा पार तो आपका ही है, खुश हो गए, वाह 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 वाह, वरदान दे दिया। और सूरत की बसें आती है, उनमें लिखा हुआ सूर्य नगरी है, तो सूर्य नगरी ट्रेन भी चलती है। सूरत में कहा जाता है कि ऐतिहासिक नाम सूर्यपुर था, सूरत नाम है, लोगों ने गलत फहमी से समझ लिया है सूरज। क्या कहा ना, बसों में भी सूर्य नगरी लिखा हुआ है। हाँ लिख देते हैं, वो गलत फहमी से लिख दिया है, या बुद्धि में सच्चाई बैठी हुई है, है? सच्चाई नहीं बैठी है, उन्होंने सूरत को क्या समझ लिया, सूरज समझ लिया। सूरत जो है वो पश्चिम में है या पूरब में है, पश्चिम में, तो पश्चिम में क्या सूरज निकलता है, सूरज तो निकलता है पूरब दिशा से, जिसे ईशान कोण कहते हैं। ईशान कोण में कौन सा देश है, हैं? बंगाल है, पूरी बंगाल है, वहाँ से सूरज निकलता है। आत्मा में ही मन और बुद्धि होती है, आत्मा जब शरीर छोड़ देती है तो फिर आत्मा पुरुषार्थ क्यों नहीं कर पाती। आत्मा पुरुषार्थ इसलिए नहीं कर पाती कि मन को कंट्रोल कर लिया। आत्मा ने क्या किया, मन को कंट्रोल कर लिया। तो मन का, जो आत्मा का असली कार्यकर्ता कौन हुआ, नहीं असली कार्यकर्ता बुद्धि हुई। बुद्धि ने किसके ऊपर कंट्रोल कर लिया, मन के ऊपर कंट्रोल कर लिया। और मेरा प्रश्न है कि पुरुषार्थ करने के लिए शरीर क्यों चाहिए। पुरुषार्थ का अर्थ ही नहीं मालूम, पुरुष माने आत्मा, पुरुष माने पुरु माने शरीर, पुरु माने पुरी नगरी, और पुरी में रहने वाला पुरुष, माने आराम करने वाला, शयन करने वाला, तो शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाला पुरुष माने आत्मा, और पुरुष अर्थ माने आत्मा के अर्थ जो किया जाए, आत्मा के अर्थ क्यों किया जाए, देह के अर्थ क्यों नहीं किया जाए, क्योंकि बुद्धि में बैठ गया। अभी तक 63 जन्मों से किसके अर्थ करते आए, देह के अर्थ करते आए, कुछ मिला नहीं मिला, और ही दुख मिला। और अब बुद्धि में बैठ गया कि हम जितना आत्मा के अर्थ करेंगे, आत्मा माने पुरुष, पुरुष अर्थ, पुरुष अर्थ किसके अर्थ करेंगे, पुरुष अर्थ, पुरुष अर्थ आत्मा के अर्थ जितना करेंगे, वो हम जन्म जन्मांतर सुखी रहे। तो जब आत्मा बन गए तो आत्मा के अर्थ करने की जरूरत रही नहीं, नहीं बन ही गए ना आत्मा, देवान रह गया क्या, स्वार्थ रह गया, स्वार्थ ही नहीं रहा, तो पुरुषार्थ क्यों करेंगे, काम पूरा हो गया, यही सुख भोगेंगे। बाबा जो इविल सोल होती है, इविल सोल, वो शरीर छोड़कर क्या बिना शरीर धारण किए नेगेटिविटी फैला सकती है, नुकसान कर सकती है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि जो बहुत कमजोर आत्माएं होती हैं, जिनको भय का भूत चढ़ जाता है, क्या भय का भूत जिनको चढ़ जाता है, उनके घर में पत्थर गिरते हैं
उनको साई बाबा जो हैं वो हाथ में ऐसे लड्डू पेड़ा खिला देते हैं। बाबा दिल को जितना ही सच्ची अहिंसा है ऐसा मुरली ने बोला है, दिल को जितना ही सच्ची अहिंसा है, दिल को जितना ही सच्ची अहिंसा, दिल को, दिल को, दिल माने मन, दिल माने मन, मन, मन को जीत लिया बस हो गया तुम, और क्या करते हैं। सोलह कला पवित्र था, 14 कला पवित्र था, 8 कला और 9 कला, ये पवित्रता में डिफरेंस क्या होगा? 16 कला वाले की आत्मा की ज्योति एकदम भरी पूरी होगी, जो कला हीन होगा नो कला नहीं पवित्र, वही अंधेरा आ जाएगा आत्मा में, जो देह का चिंतन ज्यादा करेगा और आत्मा की चिंतन की तरफ उसकी बुद्धि जाएगी नहीं, तो उसको खींचते रहो ज्ञान में, वो आत्मिक ज्ञान की तरफ खींचेगा ही, माने नो कला हो गया, कलाहीन हो गया, जो कुछ थोड़ी सी ज्योति रह जाती है, क्या जो बाबा कहते हैं तुम्हारी चोटी रह जाती है दुब्बण में डूबते डूबते, तो चोटी पकड़ के मैं खींच लेता हूँ, माने कुछ न कुछ रह गया ना ऊपर, तो कुछ न कुछ आत्म की स्थिति में रह जाते हैं उनको पकड़ के खींच लेता हूँ। तो तुम ब्राह्मण चोटी हो जो बिल्कुल डूबे हुए हैं उस दुनिया में, मिट्टी की दुनिया में, कौन सी दुनिया है, देह अभिमान की दुनिया में जो बिल्कुल डूबे हुए हैं उनको तुम कितना भी जगाते रहो, जगा रहे कि नहीं, 70 साल से जगाए रहे कि नहीं, जगा रहे, जग रहे हैं नहीं, जग रहे हाँ, स्पष्ट दिखाई देंगे, हैं तो अभी भी, क्या जो जिस ग्रुप के हैं उन्हें उन्हीं के साथ बैठने में बातें करने में अच्छा लगता है, क्या भगवान को छोड़ देंगे, भगवान के नजदीक नहीं जाएंगे, क्या करेंगे, किनके साथ रहेंगे, हैं जिनके साथ उनकी सिट्टा जोरी बंधी हुई है जन्म जन्मांतर की, वह उन्हीं के साथ रहेंगे, तो ग्रुप तो अभी भी बने हुए हैं लेकिन अभी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन आगे चल करके ऐसा समय आएगा जो 9 ग्रुप स्पष्ट दिखाई देंगे, जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा, दूसरों की बात नहीं मानेगा, 9 ग्रुप क्लियर हो जाएंगे ब्राह्मणों की दुनिया में। बाकी के मुखिया अलग अलग धर्म के मुखिया नहीं होंगे, वो इस्लाम धर्म का बीज तो है लेकिन उसका भी कोई पूर्वज है कि नहीं, तो उसका जो पूर्वज है वो इस्लाम धर्म का जो बीज है वो अपने पूर्वज की बात मानेगा या दूसरे की बात मानेगा, पूर्वज की बात मानेगा, सबका मुखिया अष्टदेव रहेगा, सब धर्मों का क्यों, अपने अपने ग्रुप का मुखिया होगा कि सबका, जो अष्टदेव होंगे वो अलग अलग होंगे कि सारे इकट्ठे एक ही मुट्ठी में होंगे, अलग अलग होंगे, तो अलग अलग होंगे तो उनमें संस्कार भी अलग अलग धर्मों के होंगे या नहीं, तो जो जिस धर्म से कनेक्ट, जिस धर्म का पूर्वज होगा वो लास्ट जन्म में उसी में जाके गिर जाएगा। जैसे अभी बाबा संगठन बन रहा है, ये पूरा एडवांस पार्टी का जो संगठन बन रहा है, अब ये जब प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो क्या इस संगठन में से निकल के जाएंगे, कौन सा बन रहा है ये संगठन, एडवांस पार्टी का जो संगठन है, ये संगठन है, इसमें ये देखना है कि कौन किन के आधार पर चलता है, जिसके आधार के बिना वो रह ही नहीं सकते, ये भी तो बात है कि नहीं है, हाँ आएगी नहीं, अभी भी है, वो उनको छोड़ ही नहीं सकते, उनके जन्म जन्मांतर के संस्कार ऐसे हैं, हाँ भगवान को छोड़ देंगे लेकिन वो उनको छोड़ ही नहीं सकते,
लड़ेंगे, कुटेंगे, पिटेंगे, मरेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन फिर उनको नहीं छोड़ सकते। वंडरफुल ज्ञान है। वाणी चलती है तो दादी टुटक टुटक करके बोलती है हाँ? ऐसा हमारे जैसा फ्लुएंटली नहीं बोलती हाँ? तो उसी टाइम पे वो एग्जैक्टली क्या क्या होता है क्या होता है शिव के पास जाती है वो हमेशा ही बताओ समझ गए वो आत्मा हमेशा ही ऐसे ही बोलती थी या कुछ अंतर हो गया है अंतर हुआ है क्या अंतर हुआ है पावर कम हुआ है पहले फ्लुएंट बोलती हाँ पहले धड़ाधड़ बोलते थे समझे और अब बहुत धीरे धीरे और रुक रुक के बोलते हैं नहीं 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 ब्रह्मा बाबा के आते छोड़ 69 से ही शरीर छोड़ा है ना तो जब से शरीर छोड़ा है तो देहभान उस समय ज्यादा था या कम था तो देहभान जब ज्यादा होता है तो वाणी जोर से निकलती है या कम निकलती है जोर से निकलती है और देहभान जब राम वाली आत्मा के संग के रंग से कम होता जाता है या रुद्रमाला के मणकों में प्रवेश करते करते बीज रूप आत्मा में प्रवेश करते करते बीज रूप स्टेज ज्यादा बनती जाती है देहभान कम होता जाता है तो क्या अंतर दिखाई देगा वाणी हाँ उसकी ताकत ही कम होती जा रही है नहीं समझ में आया बाप दादा ऐसा क्यों शब्द आता है उनका बाप नहीं है बुद्धि योग लगा हुआ इसलिए उनका बाप नहीं है क्या है ना बाप नहीं है बाप को याद नहीं करते हैं जब गुलजार दादी में प्रवेश करते हैं तो याद की स्टेज होती है कि नहीं है उनकी दृष्टि से ही पता चलता है कि बहुत याद करते हैं तो बाप पहले या दादा पहले बाप पहले और तुम मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं तो ये बात ब्रह्मा बाबा के लिए लागू नहीं होगी अरे उनके साथ बाप होता है कि नहीं होता है तो उनके साथ हो सकता है तो वो फिर बाप दादा कहे जाएंगे वो प्रत्यक्षता हो जाती है क्योंकि गुलजार दादी में प्रत्यक्ष रूप है जो बोलते हैं ना रुको जो बोलते हैं ना वो बोलने में प्रभाव बाप का ज्यादा होता है या ब्रह्मा की आत्मा का ज्यादा प्रभाव होता है जब याद में होते हैं तो वो आत्मा किससे प्रभावित होती है ज्यादा बाप से प्रभावित होती है इसलिए बाप पहले और दादा बाद में और हमें मन को अमन करने का पुरुषार्थ करना है हाँ। तो उसमें थोड़ा स्टेप बताएंगे कैसे अमन होगा जितनी प्रैक्टिस करेंगे जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे सारी स्टेज की हाँ कल से आप शुरू कर दो अमृत वेला 3 घंटा पक्का कर दो एक ही तरीका है वो सबसे बढ़िया तरीका है अमृत वेला सबसे बढ़िया तरीका है क्या थोक पुरुषार्थ है क्या पुरुषार्थ है अमृत वेला कुछ काम धंधा तो होता नहीं बैठे बैठे 3 घंटे की धोनी रमा दो आप बोलते हैं कि वो तो हट योग हो जाता है वो हट योग है सवेरे को सवेरे बोलते हैं काम करते करते अच्छा काम करते करते याद करो 3 घंटे किसी बात पर राजी तो हो जाओ माने देह अभिमानी आत्मा जो है टेसु नाम दिया गया है उसमें टेसु वगैरह करें टेसु वगैरह करें टेसु लीजिएगा तेरा अपना देह अभिमान लेके ही जाएंगे बात नहीं मानेंगे जो शिव बाबा कहते हैं वो बात नहीं सुनेंगे अपनी ही बात करते चले जाएंगे एक ही तरीका है ना अरे कितना बढ़िया थोक पुरुषार्थ बता दिया
अमृत वेला का साधारण पुरुषार्थ बताया बाबा ने, हैं? थोक पुरुषार्थ। आता क्यों? जब आता है तब उसको थप्पड़ लगा के भगा दो। वो जो मना किया क्या हाँ, तो उसको भगाओ मत। मना किया? हम मना नहीं किया। और जब आप भगाते हैं तो भागता है कि नहीं? भागता है। तो फिर भगाओ ना, भगाते रहो। 63 जन्मों में कितनी बार देह अभिमान भोगा होगा और देह अभिमान का सुख भोगा होगा, कुछ गिनती है? तो अब गिनती हो जाएगी क्या कि ये क्यों आता है और कितनी बार आएगा? वो तो आएगा, हिसाब किताब लेने के लिए आएगा। अरे पहले तो तुम हमारे आराम से बन जाते थे, अब क्यों हमको धक्का मुक्की करते हैं? हैं बाबा, ये ब्रह्मा है एक तरफ संगठन, यहाँ पर राम वाले स्वर में प्रवेश करके संगठन बनाने का कार्य करता है। ब्रह्मा बाबा है जो एक तरफ राम वाले स्वर में प्रवेश करके संगठन बनाता है। बनाता है यार, बनाता वो यानी कि आत्मिक स्थिति में रहता है। आत्मिक स्थिति में उसे रहना पड़ता है क्योंकि पावरफुल के संग में आने से उनकी स्टेज भी और ज्यादा पावरफुल बन जाती है। पर फिर वो जगदम्बा में प्रवेश करता है तो संगठन तोड़ने का काम करेगी। जो जैसा जैसा उनका नाम रथ होगा वैसी तो भाषा बोलेगा, रथ का असर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो जब भाषा में असर पड़ जाता है तो कर्मों में असर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। जिसकी जो चाह है वो आस पूरी होगी। बाबा, शिव बाबा को हम सुख का सागर, प्रेम का सागर कहेंगे कि शिव बाप को कहेंगे? प्रेम जो है प्यार की अनुभूति शरीर के साथ होती है कि बिंदी के साथ होती है? तो जवाब नहीं आया। अरे और काशी शास्त्रों में काशी का मरण और सूरत का जमा ऐसे आता रहता है। काशी में जाकर मरेगा इसको सब मिलेगा, माना काशी का मरण और सूरत का जमा भोजन ऐसा गायन है। काशी में जो मरण है वो बेहद का मरण है कि हद का मरण? तो सूरत में जो जमण है, सूरत जब सुंदर सूरत देखने को मिलती है तो आत्मा तृप्त होती है कि नहीं? है भोजन मिला कि नहीं? है तो फिर गलत बात है क्या? विदेशियों के कंट्रोल में होगा। मुसलियां सुंदर होती है या बदसूरत ज्यादा होती है? ज्यादातर मुसलियां सुंदर होती है या बदसूरत होती है? सुंदर होती है। तो सूरत जो है वो विदेश के विदेशी के कंट्रोल में होगा या स्वदेशी के कंट्रोल में होगा? विदेशी के कंट्रोल में था। और शूटिंग समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर भी विदेशी के हाथ में है? अभी यहाँ पर भी विदेश के हाथ में थे, उसमें से छोड़ा दे फिर। सूरत को तो सबसे पहले निकल लेना चाहिए। और आगे बाबा, पूर्णिमा का दिन दर वर्ष है क्या हम करें? हर साल क्यों होते हैं? शादी क्या मनाते हैं? तुलसी विवाह। तुलसी विवाह
दीपावली के बाद तुलसी का विवाह होता है, बाद में और सबकी शादी होती है। हाँ ठीक है, आत्मा के जब दीपक जलेंगे, जब आत्मा रूपी दीपक जल जाएगा, परमानेंट जल जाएगा या जलता बुलता रहेगा, जब धर्मराज की आत्मा का परमानेंट दीपक जल जाएगा तो पहले पहले किसके साथ शादी होगी? अरे सन 76 में क्या हुआ था, शूटिंग शुरू हुई थी कि नहीं एडवांस की? हाँ तो फिर क्या हुआ था, कौन तेरा बना पहले? तो आदमी भी वो कोई पहले बनी तो अंत में क्या होगा, वही पहले बनेगी, कोई दूसरा पहला बनेगा, वही पहले बनेगी। और अभी जो आया है भ्रष्टाचार अन्ना जो है भ्रष्टाचार पर आंदोलन चला है। अन्ना हजारी कहाँ से आया? महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र से आया, और वो कहाँ से आया था? गुजरात। गुजरात से आया, तो सन 76 में जयप्रकाश नारायण है, बेहद में नहीं आया था? आया वो भी आया, बेहद में अन्ना हजारे, बेहद में अन्ना, बेहद में अन्ना हजारे जो निराकारी स्टेज में पहले आएगा वो अन्ना हजारी नहीं हो जाएगा? अब अन्ना हजारी निकले कि कोई दूसरा हजारे निकले या लाखों निकले? अभी तो शुरुआत है, ऐसे जाने कितने आए कितने चले गए, भ्रष्टाचार खत्म हुआ क्या? बाबा ने मुरली में अपने आप को मैग्नेट बताया है, मैग्नेट और आत्मा रूपी सितारे को सुई बताया है। तो जो हुक्का यंत्र होता है उसमें सुई का एक छेड़ा नॉर्थ पोल की ओर होता है, एक साउथ पोल की ओर होता है। सुई का छेड़ा नॉर्थ पोल और साउथ पोल, सुई का जो मुंह होता है उत्तर में और दक्षिण में होता है। नहीं नहीं, उसकी जो मोटी पूंछ होती है ना, दो 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 छिरे होते हैं ना, तो एक होता है पतला महीन और एक होता है मोटा। जो महीन सिरा होता है वो उत्तर की तरफ होता है। हाँ जी, तो वो इस तरह की आत्मा होगी जो नॉर्थ पोल की ओर और साउथ पोल की ओर दो लीवर हो गए, नॉर्थ पोल में ही जाएगी। अरे उत्तर दिशा अच्छी मानी जाती है या दक्षिण दिशा अच्छी मानी जाती है? उत्तर दिशा अच्छी मानी जाती है। जब सूर्य निकलता है तो किधर से निकलता है, ठीक पूरब से निकलता है या उत्तर से झुका हुआ निकलता है? उत्तर से झुका हुआ निकलता है। और क्या हुआ, टाइम हो गया? मुरली में जो हम जिन्स का जो आता है शब्द, उसका क्या मतलब होता है? मुरली के पॉइंट में हम जिन्स का जो शब्द आता है उसका क्या? हम जिन्स माने स्त्री है तो स्त्री की तरफदारी लेनी चाहिए, बूढ़ियाँ हैं तो बूढ़ियों की तरफदारी लें, पुरुष हैं तो पुरुषों की तरफदारी लें, उसको कहते हैं हम जिन्स। जैसे ब्रह्मा बाबा थे तो ब्रह्मा बाबा पुरुषों की तरफदारी लें तो कहेंगे अपनी हम जिन्स की तरफदारी ली, या बूढ़ों की तरफदारी लें तो कहेंगे अपने हम जिन्स की तरफदारी ली। जिन्स कौन सी जिन्स? जो हमारी जिन्स तो उनकी जिन्स, जिसकी तरफदारी ली जा रही है। और शंकर का नाम गुप्तेश्वर महादेव भी कहा गया है, गुप्तेश्वर महादेव। हाँ हाँ, हाँ। शंकर वाली आत्मा ज्यादा गुप्त रहती है या पहले ही प्रत्यक्ष हो जाती है? ज्यादा गुप्त रहती है, तो गुप्तेश्वर है। जो भी गुप्त रहने वाली आत्माएं हैं 16,000 हैं। कितने हैं गुप्त रहने वाली गोपियां? 16,000 हैं। उनमें से बाद में कौन खुलेगा?
सुपर उत्तम बाद में होने। भक्ति मार्ग में नवनाथ का भी गाय है और उन्हें वेशभूषा ऐसे जैसे भीख मांग रहे हैं। नवनाथ का जो गाय है भक्ति मार्ग में उनकी वेशभूषा ऐसे देख रखाई है जैसे भीख मांग रहे हो। हाँ तो जितने बैगर बनेंगे उतने फुल प्रिंस नहीं बनेंगे। नहीं बात क्या है, जो अष्टदेव हैं वो फुल बैगर बनेंगे तभी तो फुल प्रिंस बनेंगे। कि बिना बैगर बने तन मन धन पूरा अर्पण यज्ञ में नहीं किया है, ईश्वरी सेवा में नहीं लगाया है तो फुल प्रिंस बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। तो जिंदगी भर उन्होंने जो त्याग किया है वो त्याग वहाँ भक्ति मार्ग में दिखाया जाता है नवनाथों का। वो इसीलिए बैठा हुआ दिखाया गया है कि वो जो बैठा हुआ है वो शिवलिंग के ऊपर बैठा हुआ है या बाजू में बैठा हुआ है या नाली की तरफ बैठा हुआ है। नाली का कनेक्शन क्या है? जो शिव है उसका साथ किसके साथ दिखाया गया है? लिंग जो है वो किसका किसके साथ बैठा हुआ है? मंदिर में जो लिंग रखा जाता है वो किसके साथ है, उसके नजदीक कौन है? जलाधारी माने क्या? हा? जलाधारी माने स्त्री की योनि। पार्वती के साथ शिव है ना, तो है उसके साथ ही। फिर भी वो जो लिंग है जो साकार की यादगार है वो अमोघ वीर है या वीर ढलक जाता है? अमोघ वीर है। इसकी जिंदगी उसकी पूजा होती है। पूजा का आधार क्या है? प्योरिटी। जो सन्यासी है वो तो दूर भागते हैं तो भी ढलकते रहते हैं। डिस्चार्ज होता रहता ही नहीं होता रहता है। और ये अमोघ वीर है, साथ में रहता है, उसी इंद्रिय के साथ रहता है जिसे कामेंद्रिय कहा जाता है। साथ में रहते हुए भी तुम सब पार्वतियां हो, एक पार्वती के साथ भी नहीं, कितने के साथ? तुम सब पार्वतियां हो तो भी छोड़ के भागता है क्या? अब वो सन्यासी, अब वो सन्यासी छोड़ के भागते हैं। क्यों भागते हैं? छोड़ के डरते। क्यों डरते हैं? अरे स्त्री की जात से कोई पुरुष डरता है क्या? डरता है क्या? है? और ये पकड़ पकड़ के अपने पास खींचना चाहते हैं। डरते हैं या खींचते हैं? वो क्यों भागते हैं? हाँ उनके अंदर वो कमजोरी है कि नज़दीक आएंगे तो हम हमारी शक्ति क्षीण हो जाएगी, क्षीण होते होते हम ऐसे ही मर जाएंगे। हाँ और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते इसलिए छोड़ के भागते हैं। ब्रह्मा की सोल स्त्री का ज्यादा पार्ट बजाती है पुरुष का ज्यादा पार्ट बजाती है? स्त्री का पार्ट ज्यादा पार्ट बजाती है। वो चंद्रमा के रूप में बैठी हुई कि नहीं है? वो स्त्री है। ब्रह्मा क्या है? माँ है। और शंकर क्या है? बाप है। ये माता पिता है, कंबाइंड रूप है। कालिदास जो है वो ब्रह्मा को कहेंगे या कालिदास? काली का दास कौन है? महाकाली का दास कौन है? अच्छा तुलसी का दास कौन है? तुलसी का दास तो रामवाली सोल। तो तुलसी दास रामवाली सोल है तो कालिदास कौन है? तुलसी तुलसी जो है काली बनती है कि नहीं बनती है? महाकाली बनती है ना, तो तुलसी जब महाकाली बनती है तो उसका दास भी है कोई। हर पुरुष अपनी स्त्री का दास बनता ही नहीं, कभी कभी बनता है तो बस बहुत। आत्मा के अंदर सूक्ष्म शरीर रहता है, आत्मा के अंदर सूक्ष्म शरीर होता है? आत्मा के अंदर सूक्ष्म शरीर नहीं, आत्मा के साथ।
आत्मा के अंदर अगर सूक्ष्म शरीर रहता हो तो परम धाम में रहना चाहिए कि नहीं? एक बात तो बताओ पहले, अपनी बात कहे चले जाओ, दूसरे के जवाब नहीं दोगे। अगर आत्मा के अंदर सूक्ष्म शरीर हो तो परम धाम में जब आत्मा रहती है तो सूक्ष्म शरीर रहता है कि नहीं? रहता है। वहाँ शरीर का नाम निशान ही नहीं रहता, सिर्फ आत्मा। राम वाली आत्मा में से जब ब्रह्मा की सोल निकलती है तो ध्वजाधारी में झटका लगता है, ठीक है? तो हम बताते हैं कि उसमें सूक्ष्म शरीर का प्रवेश था वो। हाँ। तो जब वहाँ से वो निकलती है आत्मा, और राम वाली आत्मा में प्रवेश करती है, तो सूक्ष्म शरीर कहाँ छोड़ देती है? संग करके किसका लगा? राम वाली आत्मा में जब प्रवेश किया तो राम वाली आत्मा बीज रूप स्टेज वाली ज्यादा पावरफुल है या सूक्ष्म शरीर ज्यादा पावरफुल है? बीज रूप स्टेज। तो सूक्ष्म शरीर कहाँ छोड़ती है? खत्म उस समय के लिए, जब तक राम वाली आत्मा से निकलती है तो सूक्ष्म शरीर आ जाता है। हाँ, देहभान में आया, सूक्ष्म शरीर आया, माने संपन्न नहीं बनी। जब तक संपन्न नहीं है बीज रूप स्टेज, जब तक संपूर्ण नहीं बनी है तब तक सूक्ष्म शरीर इधर, सूक्ष्म शरीर माने भूत प्रेत, तो चक्कर काटता रहेगा। कोई भी भूत प्रवेश करता है और आउलिया ने उसको मार पीट करके भूत को भगा दिया तो क्या वो भाग जाता है या चक्कर काटता रहता है? डॉक्टर लोग हैं जिसमें भूत आता है कहते हैं पागल हो गया, तो वो कुछ दवाई खिलाते हैं, कोई स्पेशल दवाई होती है। वो दवाई की ये शिफ्ट है कि रोज जब तक दवाई खिलाते रहोगे वो भूत नज़दीक नहीं आएगा, या तो दवाई से नहीं कंट्रोल होता है तो इंजेक्शन लगाते हैं। तो वो दवाई जब तक खिलाते रहेंगे वो भूत नहीं आएगा, और दो दिन के लिए भी दवाई बंद की अब वो प्रवेश कर जाएगा। तो राम वाली आत्मा के आजूबाजू वो चक्कर लगाती रहती है? बिल्कुल, चक्कर लगाई नहीं तो गुंजा दादी भी जाके प्रवेश करेगी और कोई दीदी दादियों में प्रवेश करेगी। और जगदम्बा भी है ना? जगदम्बा भी है ना? जगदम्बा तो बीज रूप आत्मा है, उसमें जाएगी तो बीज रूप बन जाएगी। कृष्ण और क्राइस्ट की राशि बनाई जाती कि नहीं? क्यों मिलाई जाती? कृष्ण और क्राइस्ट के जीवन चरित्र में दिखावा होगा या नहीं होगा? आप दिखाने के और चमाने के गांधी जी और गौडसे की भी राशि एक ही बताए। गांधी जी और गौडसे, हाँ, उसकी राशि भी एक ही। तो क्या हुआ? राम और रावण की भी राशि एक ही है। कंस और कृष्ण की भी राशि एक ही है। गौडसे तो सदे में का नाम तो नथुराम है। गौडसे का मतलब है गॉड से। कैसे दिखाई पड़ते हैं? गॉड से दिखाई देते हैं, माने है नहीं गॉड लेकिन दिखाई कैसे देते हैं? गॉड से। क्राइस्ट को क्रिश्चियंस ने क्या समझ लिया? गॉड जैसा समझ लिया। बाबा जी, नवदुर्गा नवदुर्गा मनाई जाती है, कौन देवियां हैं? अरे पुरुषार्थ करती है, अच्छा वही नौ देवियां आत्मिक स्थिति में जो स्थित हो जाती हैं वही नौ देवियाँ हैं, जिन्होंने अपवित्रता को कंट्रोल किया है, पवित्र बनी है, पवित्रता का प्रूफ दिखाया है, उनकी पूजा होती है नौ देवियों में। गीता को एक श्रीमद् भगवद गीता भी कहा गया है, एक अष्टावक्र गीता भी कहा गया है, तो दोनों नाम कैसे? अष्टावक्र गीता जो है वो तो आठ जगह से टेढ़ा है। वो कौन सी आत्मा है जिसको आठ पटरानियाँ पिटाई कुटाई करके खुद तो नीचे पट्ट में गिरती है? कौन? पटरानियाँ खुद तो पट्ट में गिरती है लेकिन साथी को भी पट्ट में गिराएंगी कि नहीं? मान लो किसी का घुटना तोड़ दिया तो गिरेगा कि नहीं गिरेगा? हाँ, तो जब घुटने से किसी ने गिराया तो नीचे गिर गया। कमर तोड़ी तो नीचे गिरेगा कि नहीं? नीचे गिरेगा। तो ऐसे ही आठ पटरानियाँ किसको होती हैं? कृष्ण को है। कृष्ण को आठ जो पटरानियाँ हैं वही जब पुरुषार्थी जीवन में होता है तो पटरानियाँ पीछे पड़ती हैं।
तो गिराएंगे कि उठाएंगे? गिराती हैं, गिराती हैं तो आठ जगह से टेढ़ा हो जाता है। कोई कहीं से तोड़ती है, कोई कहीं से तोड़ती है। तो उस आत्मा ने जो गीता की व्याख्या की है, उस गीता का नाम बाकी कोई अष्टावक्र कोई अलग से और कोई दूसरी आत्मा नहीं होती है। और बाबा मुरली में पता है कि बाबा बागवान है और हम बच्चे सब फूल है, तो उसमें से गुलाब का फूल हो ज्यादा महत्व देते, लेकिन वो तो दो दिन में उसकी पकड़ी तो अलग हो जाती है, तो उसका मतलब क्या है? हाँ, वो दूसरे फूल की अलग नहीं होती, लेकिन गुलाब का फूल जो है भाई उसी तोड़ते हैं। वो डाली पे अच्छा रहेगा या डाली से तोड़ने से अच्छा रहेगा? डाली पे रहने दो ना। और तीर्थंकर कहे गए है, भीलवाड़ा मंदिर में छह तीर्थंकर का नाम है, चौबीस तीर्थंकर जैन में, उसमें पहला ऋषभ देव है। नहीं नहीं, दिलवाड़ा मंदिर में 24 तीर्थंकर थोड़े दिखाए गए, नाम तो एक ही तीर्थंकर दिखाया गया, नाम लिखे हुए हैं। नहीं, जैनियों में, जैनियों में 24 तीर्थंकरों की यादगार है कि 24 अवतार हुए, क्या उन 24 अवतारों में उनके स्थान भी दिखाए गए हैं अलग अलग, जैसे कंपिल में विमलनाथ स्वामी, दिलवाड़ा मंदिर में विमलनाथ स्वामी नहीं है, ऐसे झूठ झूठ मत बोला करो। कहने का मतलब बाबा, अच्छा मतलब बता रहा हूँ, 24 तीर्थंकर जो कहे गए हैं उसमें पहला ऋषभ देव है, ऋषभ देव, और 24वें महावीर है, 24वें महावीर है। मतलब बाबा जो पुरुष और स्त्री की जो रंग सूत्र की जोड़ आती है, रंग सूत्र की जोड़, क्या रंग सूत्र? शरीर के अंदर जो रंग सूत्र की जोड़ आती है ना, तो जो 24वीं रंग सूत्र की जोड़ होती है उसे फीमेल मेल बनता है, स्त्री पुरुष का रजवीर ही मिलता है, पुरुष की जो 24वीं जोड़ होती है वो अलग होती है स्त्री से, क्या 24वीं जोड़ जो होती है, क्या 24वीं जोड़? रंग सूत्र की जोड़, DNA बोलते हैं के अंदर है, सब डॉक्टरों से पूछो जो साइंस पढ़ने वाले हैं उनसे, वो हमने साइंस पढ़ी नहीं है, हम साइंस के बारे में जानते नहीं, हम तुम्हें जवाब कैसे दें पूरी बात समझे बगैर, पहले हमें सारी बात समझाओ। हाँ बोलो, तीर्थंकर है, चौबीसवें का नाम महावीर है ना? हाँ नहीं, महावीर नहीं है 24वें का, 24वें का जो महावीर नाम है वो झूठा नाम है, कोई महावीर नाम का नहीं हुआ है आज से 2500 साल पहले। अगर महावीर नाम का कोई 2500 साल पहले हुआ होता तो महात्मा बुद्ध से 50 साल पहले महावीर ने जन्म लिया। महात्मा बुद्ध के साहित्य में जो ढेर का ढेर साहित्य मिल रहा है उनकी वाणियों का, उसमें जिक्र होना चाहिए कि नहीं है? महात्मा बुद्ध की जितनी भी बौद्ध पिटक हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं, उनमें कहीं भी महावीर का नाम नहीं है। ऐसे ही झूठे बोल दिया है कि 2500 साल पहले भगवान महावीर आए। अब आगे बढ़ो, क्या पापा? हाँ, ये जो चाणक्य है, चाणक्य उसमें आया था बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा आजाद चंद्र, चाणक्य है ना, चाणक्य, उसमें बिंदुसार का बेटा आजाद चंद्र, आजाद चंद्र हुआ। बताओ बताओ पूरी हिस्ट्री बताओ, क्या बताना चाहते हो, पूछना क्या चाहो? उसी समय तो उसी समय महावीर और बुद्ध, उसी राजाओं के समय महावीर और बुद्ध का जिक्र है, तो इतिहास गलत हो गया। वो महावीर का जिक्र जिन्होंने किया है वो महात्मा बुद्ध के बाद हुए हैं या पहले हुए बाद? बाद तो उन्होंने हिंदुओं के 24 अवतारों को देख करके ये 24 अवतार बना दिए। वास्तव में जैन धर्म कोई अलग से
धर्म स्थापन हुआ ही नहीं कभी। ये हिंदू धर्म का ही एक ऐसा देव देवी देवता सनातन धर्म में ही जिन्होंने इंद्रियों पर जीत पाई वो चंद्रवंशी और सूर्यवंशी 24 आत्माएं हैं जिन्होंने नंबरवार इंद्रियों पर जीत पाई वो जिन कहे गए। उनकी यादगार में उनके फॉलोअर्स ने ये जैन धर्म चला दिया। बाकी कोई ऐसे 24 अवतार भगवान के हुए ही नहीं हैं। वो भी 6 आर्य मानते हैं जैनी, जैसे हम 4 युग मानते हैं वैसे वो 6 आर्य मानते हैं। 3 आरों में पहले 3 आरों में 24 अवतार मानते हैं क्या? और बाकी के 3 हाँ बाकी जो हैं उनमें अवतार नहीं होते भगवान के, तो वो जैसे हो गए द्वापर कलयुग। बाकी जो 3 आर्य हैं पहले जो 3 आर्य हैं वो 2500 साल के बताए, लेकिन वो उनको भी लाखों वर्ष बता देते हैं जैन लोग। लेकिन हिसाब से देखा जाए तो 2500 साल पहले से 500 वर्ष पहले से लेकर के अब तक कोई अवतार नहीं हुआ, इसलिए ये विधर्मियों के अवतार जरूर हुए हैं, विधर्मी धर्म पिताओं के। तो इससे साबित हो जाता है कि जैनियों के अनुसार ही 2500 साल की दुख की सृष्टि है और 2500 साल की सुख की सृष्टि है जहाँ उन्होंने भगवान के अवतार दिखाए। और लोग कितने हैं? लोग कितने हमने मनुष्य कितने हैं? 760 तुम जवाब नहीं मरे कितने लोग आपका 3 ही लोग हैं। वास्तव में तो 2 ही लोग हैं, एक मनुष्य लोक और एक आत्मलोक। मनुष्य लोक में सब प्राणी हैं, जब उनमें प्राण है आत्मा है तो प्राणी है, जब दुनिया का विनाश होता है तो सबके प्राण आत्मा निकल जाती है परमधाम में चली, आत्मलोक में चली जाती है। परमधाम को ब्रह्मलोक क्यों कहते हैं? ब्रह्मलोक इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म माने बड़ा, माँ माने महत्वपूर्ण, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई लोक है ही नहीं। ब्रह्म लोक माने परमधाम। वो तो 14 भुवन बता देते हैं, 14 लोग बता देते हैं, उससे क्या होता है? पाताल लोक कोई होता है क्या? पाताल लोक कुछ होता ही नहीं। ये क्रिश्चियंस और इस्लामी यही पाताल लोक में रहते हैं, असुर हैं ये, जब से आए तब से इन्होंने आक्रमण किए हैं, हिंसा फैलाई है दुनिया में, व्यभिचार फैलाया है, यही असुर हो गए। इनके जो देश हैं कहाँ से निकले? पाताल में से निकले कि नहीं निकले? पहले सारा समंदर पाताल था, फिर ये निकले हैं अमेरिका ऑस्ट्रेलिया वगैरह। भारत तो पहले से ही था। बाबा तुम बच्चे माया पे कल कल जीत पहनते हो, उसकी शूटिंग कैसे होती है? तुम बच्चे वो नहीं, ये नहीं, ये ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर नहीं, तुम बच्चे। अभी शूटिंग हो रही कि नहीं? बस खत्म बात। टाइम हो गया है। ओम शांति।